नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में कार एंड ट्रैवल गुरु। कैसे हो आप लोग? तो आज हमने वीडियो बनाने जा रहा हूँ, पेट्रोल कार खरीदी जाए या डीजल कार खरीदी जाए। वैसे सब्जेक्ट बहुत पुराना है, शायद बहुत लोग बोल रहे होंगे कि किस टाइम पे इलेक्ट्रिकल कार के बारे में सोचना चाहिए और आप पेट्रोल और डीजल के बारे में सोच रहे हो। पर अभी भी बहुत जगह पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मैं पूरे वीडियो में आपको समझाऊंगा कि क्या किस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं, कौन से वेरिएंट में कार खरीदना बेटर रहेगा, पेट्रोल या डीजल में। अलग अलग सिटी में अभी भी पेट्रोल और डीजल की कार में कभी कहीं जगह पे 12 रुपये का डिफरेंस है, कई जगह पे 2 रुपये का डिफरेंस है। और लास्ट 2 दिन से 3 दिन से देख रहे हो कि आपके पेट्रोल डीजल के प्राइस चेंज होते जा रहे हैं, जबकि लास्ट 40 डेज से नहीं हो रहे थे, पर लास्ट 2 दिन 3 दिन से देख रहा हूँ मैं पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में फिर एक बार चेंजेस होने जा रहे हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि पेट्रोल कार लेने के कौन से फ़ायदे हैं, डीजल कार लेने के कौन से फ़ायदे हैं, कार लवर को डीजल कार ही क्यों पसंद आती है, पेट्रोल कार क्यों पसंद नहीं करते हैं। तो आप पहले इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को, अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन अबाउट रिगार्डिंग कार्स एंड ट्रैवलिंग, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को कार एंड ट्रैवल गुरु। थैंक यू। देखते हैं पूरा वीडियो। देखो, पेट्रोल और डीजल की प्राइजेस के बाद आता है पॉइंट नेक्स्ट कि कौन सी कार कितना माइलेज देती है, पेट्रोल में कितना देती है और डीजल में कितना देती है। तो मैंने यहाँ पे देखो मोस्ट पॉपुलर कार्स जो भी है इंडिया में फ़िलहाल अभी मिनिमम बजट में या नॉर्मल बजट, मिनिमम नहीं कह सकते, नॉर्मल बजट में जो कार लोग परचेस करते हैं या ज़्यादा सेल जो कार होती है, इनका मैंने पेट्रोल और डीजल का माइलेज निकाला है। तो इसमें देख सकते हैं i20, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, होंडा सिटी, XUV300, स्विफ्ट। स्विफ्ट मैंने इसलिए लिखा है कि बहुत मोस्ट पॉपुलर कार थी ये डीजल में, बहुत लोगों ने ली थी। अभी वैसे देखा जाए तो मारुति ने A to Z सब गाड़ी अपनी डीजल का BS6 आने के बाद बंद कर दी है, ओनली पेट्रोल CNG ही गाड़ियाँ मारुति की मिलती है, वरना इको स्पोर्ट्स एंड सोनेट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सब गाड़ियों में जैसे पेट्रोल और डीजल की माइलेज में डिफरेंस 6-5, 6-5, वरना में जहाँ पे 8 का है, और सबसे कम आया है XUV300 में, जो कि ओनली 3 का माइलेज डिफरेंस है। ये माइलेज डिफरेंस मैं यही कंसिडर करूँगा जो कंपनियां प्रोवाइड करती है, एक्चुअल में कितना आता है ये नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों सेम ही रहेंगे। जो एक्चुअल में अगर मैं पेट्रोल का चेक करूँगा तो डीजल का भी करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि कंपनी कितना क्लेम करती है, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पेट्रोल और डीजल की प्राइस डिफरेंसेस में। मैं इंडिया की मेजर सिटीज़ में का प्राइस डिफरेंस इसमें नोट किया हूँ। आप जिस तरह से देख सकते हैं, पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद, इलाहाबाद एंड केरला, मैक्सिमम मेजर सिटीज़ जहाँ पे ज़्यादा कार सेल होती है, जहाँ पे ज़्यादा कार यूज़ होती है, उसका लगभग पेट्रोल और डीजल प्राइस मैंने नोट किया है। तो आप इसमें डिफरेंसेस देख सकते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा पेट्रोल और कार डीजल कार में डिफरेंसेस है, पेट्रोल और डीजल फ्यूल में डिफरेंसेस है। महाराष्ट्र और में पेट्रोल और डीजल का डिफरेंस 11.77, इतना मतलब अराउंड 12 रुपये। और सबसे कम मुझे मिला अहमदाबाद, छत्तीसगढ़, या आया 2.41 के आसपास। और एवरेज सब जगह भी देखा जाए तो 8, 9 और 10 के आसपास डिफरेंस अभी भी सब जगह पे अवेलेबल है, सब जगह पे इतना डिफरेंस है ही। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करते हैं प्राइस डिफरेंस पेट्रोल कार और डीजल कार में। मतलब जैसे कि आप सेम कार सेम वेरिएंट में आप पेट्रोल कार्स परचेस करते हो और अगर डीजल कार करते हो तो आपको एक्स्ट्रा कितना पेमेंट पे करना पड़ेगा। कुछ पॉपुलर कार्स या मैंने कंसिडर की है i20, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, होंडा सिटी, XUV300, स्विफ्ट, वरना, इको स्पोर्ट्स एंड सोनेट। तो अगर i20 आप डीजल में खरीद परचेस करते हो कंपेयर टू पेट्रोल, तो 1,40,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अल्ट्रोज में 1.5, नेक्सॉन 1.5, XUV 75 लाख नहीं है, किलो के है 75,000। स्विफ्ट जब तक बंद हो चुकी है, ये डीजल में आती ही नहीं है, वरना 1.5। इको स्पोर्ट्स देखिए 50,000। मैं यहाँ फोर्ड को इको स्पोर्ट्स मॉडल पेट्रोल और डीजल की कम प्राइस के लिए हेड्स अप कहूँगा, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइस में अगर आपको कोई कार परचेस करने के लिए अगर कोई सोच रहा होगा, और सोनेट 1.3,
तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि रनिंग कॉस्ट पर किलोमीटर कितनी आती है पेट्रोल और डीजल में। हम यहाँ पे दो सिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पुणे और अहमदाबाद। आप बोलोगे पुणे और अहमदाबाद मेरी फेवरेट सिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंडिया की कुछ स्टेट में से कुछ सिटियाँ सिलेक्ट किया हो जहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस है पेट्रोल और डीजल की प्राइस में। यहाँ पुणे में 11.77, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, लगभग 12 रुपये के आसपास, और अहमदाबाद में है 2.41, मतलब 3 रुपये के आसपास। सेम कुछ और स्टेट में भी है, छत्तीसगढ़ में वगैरह भी आपको ऐसे सेम डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ कंसिडर करते हैं, अगर पुणे में आप I-20 परचेस करते हो तो पेट्रोल में 4.47 रुपीज़ पर किलोमीटर खर्चा आएगा। सेम कार अगर आप डीजल में चलाते हो तो 3.04। यहाँ पे हम डिपे चेंज कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कार रनिंग कॉस्ट, अगर पर किलोमीटर कॉस्ट कितनी आती है पेट्रोल कार और डीजल कार में। तो यहाँ पे मैं दो सिटियों के बारे में कंसिडर कर रहा हूँ, पुणे और अहमदाबाद। अब बोलोगे पुणे और अहमदाबाद मेरी फेवरेट सिटीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने इंडिया की वर्स्ट मैक्सिमम डिफरेंस वाली सिटी सिलेक्ट की है, महाराष्ट्र में पुणे, जहाँ पे 11.77 रुपीज़ का डिफरेंस है पेट्रोल और फ्यूल की डीजल में। डीजल सस्ता है कंपेयर टू पेट्रोल, और अहमदाबाद में है 2.41, अराउंड 3 रुपये के आसपास। तो I-20 अगर आप पेट्रोल में पुणे में परचेस करते हो तो 4.47 रुपीज़ पर किलोमीटर, डीजल में 3.04 रुपीज़ पर किलोमीटर, XUV 300 5.16 रुपीज़ पर किलोमीटर, 3.80 पर किलोमीटर, वरना 5.16 रुपीज़ पर किलोमीटर, 3.04 पर किलोमीटर डीजल। वरना पेट्रोल और डीजल में बहुत डिफरेंस है, आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। इको स्पोर्ट्स 5.85, डीजल में 3.62। सेम अगर अहमदाबाद में आते हैं जहाँ पे फ्यूल प्राइजेस के डिफरेंसेस बहुत कम है, I-20 4.01, लगभग 4 पॉइंट समथिंग सब कुछ गाड़ियाँ है। इको स्पोर्ट्स 5.26 है, यहाँ माइलेज इको स्पोर्ट्स का पेट्रोल में कम है। वही डीजल में जाइए 3.06, 3.06, 3.64, इको स्पोर्ट्स कहीं भी जाइए सबसे बेस्ट हो रही है। मैं तो यही कहूँगा पुणे अहमदाबाद कहीं भी हो, अगर आप इको स्पोर्ट्स परचेस करने जा रहे हो तो गो फॉर डीजल मॉडल। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कोई भी कार परचेस करता है तो कार परचेस करने का रीजंस क्या होता है, और क्या रनिंग के लिए होता है या शौक के लिए ली होती है। तो मैंने एक एवरेज इंडियन लोग जो कार परचेस करते हैं तो उनका एवरेज जो रनिंग होता है पर मंथली या पर ईयरली, तो मैंने कंसिडर किया है कि 1000 किलोमीटर पर मंथ, यानी कि 10-12 हज़ार किलोमीटर सालाना अगर रन करते हैं। तो अगर पेट्रोल और डीजल की कार अगर आप परचेस करना चाहोगे, और अगर कोई डीजल परचेस करता है तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसको करना पड़ रहा है, जो लास्ट क्लिप में आपने देखा था, I-20 के लिए 1,40,000, वरना के लिए 1,40,000, होंडा सिटी के लिए 1,50,000, कम था XUV300 के लिए 75,000, और इको स्पोर्ट्स के लिए सबसे कम 50,000। अगर I-20 कोई परचेस करता है पुणे में तो वो सालाना 14,300 रुपये तो बचा लेगा, पर जो उसने एक्स्ट्रा पे किया है उसको कवर अप करने के लिए 9 साल लगेंगे, वरना को कवर अप करने के लिए 7 साल लगेंगे, XUV300 को कवर करने के लिए 3.5 साल लगेंगे। ये 3.5 साल इसलिए हो गए होंगे क्योंकि दोनों के बीच में पेट्रोल और डीजल की कार में डिफरेंस कम है 75,000। इको स्पोर्ट्स, अगर पुणे में कोई इको स्पोर्ट्स डीजल खरीदता है और जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है 50,000, उसको कवर अप करने के लिए ओनली 2 साल पड़ेंगे। पर इको स्पोर्ट्स अगर कोई लेना चाह रहे हैं तो डीजल इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। अगर ते अहमदाबाद में जहाँ पे प्राइस डिफरेंसेस फ्यूल और पेट्रोल में कम है, फ्यूल प्राइसेस कम, डिफरेंसेस कम है, I-20 का ही खरीदता है, तो मैं तो यही सलाह दूंगा, अहमदाबाद में कोई I-20 खरीदता है डीजल में तो उसको 14 साल कवर अप करने में लग जाएंगे, कि उसने जो एक्स्ट्रा पे किए हुए अमाउंट को कवर करने के लिए। लगभग कार की लाइफ 15 साल होती है, 14 साल आपको कवर अप करने के लिए ले जाए तो उससे बेस्ट ऑप्शन मैं रहूँगा पेट्रोल ही है, अगर अहमदाबाद छत्तीसगढ़ में कोई परचेस कर रहा है और जिसकी रनिंग 1000 किलोमीटर पर मंथ सालाना 12,000 किलोमीटर कम उस तक है या उससे कम है। वरना में 9.5 साल, XUV में 9 साल, इको स्पोर्ट्स में 3 साल। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि कितना रनिंग पे कितना खर्चा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। जिनकी रनिंग ज़्यादा है 2,000 किलोमीटर पर मंथ, 3,000 किलोमीटर पर मंथ, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा क्या खर्चा किस में कितना आता है और कितनी बचत होती है और कितने साल लगेंगे मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट किए हुए को सेव करने हो या क्लियर करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट हर एक कंपनी के, जैसे टाटा हो, वो मारुति हो, हिंडाई हो, फोर्ड हो, स्कोडा हो, या एक मारुति महिंद्रा हो,
तो लगभग सबके चेक कर लिए है मैंने। डीजल की आती है 6-7-8 हज़ार के आसपास, 10,000 किलोमीटर पे। कुछ गाड़ियों के 15,000 पे होती है, कुछ गाड़ियों के 10,000 पे होती है। और पेट्रोल में आती है 4-5, तो ज़्यादातर डिफरेंस 2 या 3 हज़ार का है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तब भी हमको इसको चीज़ को कंसिडर करना चाहिए। तो आज अगर 2020 में या 2021 में कोई गाड़ी प्लान कर रहा है लेने के लिए, तो मैं तो यही करूँगा कि आप पेट्रोल गाड़ी पे जाइए। आपका आपका रनिंग 1,000 या उससे कम है, अगर आपका रनिंग उससे ज़्यादा है तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप डीजल गाड़ी पे जाइए। पर अभी भी देखिए, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज़ है, महाराष्ट्र हो गया, बाकी सब स्टेट जहाँ से 8, 9, 10 का डिफरेंस है, वहाँ अभी भी लोग डीजल गाड़ी में जाना चाह रहे हैं। बस सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मारुति ने जब से डीजल गाड़ियाँ बंद किया तो लोग लगभग पेट्रोल गाड़ी लेना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में, ये पूरे इंडिया में आप देख सकते हैं कि 40% से 50% मार्केट मारुति का ही है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो हम कभी फिर बनाएंगे, तब डिस्कस करेंगे क्यों गाड़ियाँ मारुति की लेना चाहते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि पेट्रोल गाड़ी सबसे बेटर है। और कुछ कंट्रीज़ में आपने 2-3 दिन पहले न्यूज़ में सुना भी होगा, शायद कोई यूएस या इंग्लैंड की कंट्री है, जहाँ पे बोला गया है कि 2030 तक हम पेट्रोल डीजल नहीं, ओनली पेट्रोल और डीजल दोनों कार हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, हमारे रोड पे ओनली इलेक्ट्रिक कार ही रन होगी। हम तो यहाँ पेट्रोल और डीजल के बारे में अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरा कंक्लूजन तो यही रहेगा कि पेट्रोल कार अगर आपका परचेस करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, अगर आपकी रनिंग कम है तो। अब सेकंड पॉइंट आता है, अगर आप रीसेल कार खरीदने जा रहे हो तो क्या करना चाहिए। रीसेल कार खरीदने जाओगे तो क्या है कि पेट्रोल और डीजल कार की प्राइस में डिफरेंस आपको ज़्यादा नहीं पे करना पड़ेगा। लगभग सेम प्राइस में आपको पेट्रोल कार मिल जाएगी, इस लगभग सेम प्राइस में डीजल मिल जाएगी। क्योंकि डीजल आजकल महंगा होता जा रहा है, इसलिए गाड़ियाँ रीसेल जो भी हो रही है डीजल में, वो सस्ती प्राइस में रीसेल हो रही है। अगर आपको कोई मारुति की डील मिल जाए डीजल में, तो मैं कहूँगा आग बंद करके उस डील पे जाइए। क्योंकि आप प्राइस डिफरेंसेस देख सकते हैं, महाराष्ट्र हो गया, हैदराबाद हो गया, इस बड़ी बड़ी सिटियों में, और प्राइस डिफरेंसेस 12 रुपये पर लीटर के हिसाब से। माइलेज उसका बहुत ही अच्छा है, 25+ का माइलेज देती है स्विफ्ट। तो अगर रीसेल वैल्यू में अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हो, प्री ओन कार लेने जा रहे हो, तो अभी भी मैं 1,000 से ऊपर किलोमीटर रनिंग करने वालों को यही सलाह दूंगा कि आप डीजल में जाइए, सबसे बेस्ट। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट आता है कि चलाने का मज़ा। कार लवर्स जो है एक्चुअल में, जो ड्राइव करने का मज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि देखो पहले तो डीजल कार में ही टर्बो चार्जर आता था, आजकल आप देख रहे हो कि पेट्रोल कार में भी टर्बो चार्जर आने लगा है। वरना का जो 1 लीटर इंजन निकाला है, वरना जैसी कार ने अगर 1 लीटर इंजन में वही टर्बो निकाला है, तो कुछ तो मज़ा है उसमें। आप कभी मौका मिले तो ड्राइव करके देख लीजिए। पहले की गाड़ियों में डीजल में क्या टर्बो चार्जर आता था। टर्बो चार्जर का मज़ा क्या है, कार अगर आप जब चलती है और जब 60-70 की स्पीड गेन करती है, तो उसके बाद कार का ड्राइव करने का मज़ा, पिकअप और जो टॉर्क बोलते हैं एक्चुअली, वो आपको उसी टाइम पता चलेगा, जो आपको पेट्रोल कार में नहीं मिलेगा। जो इसलिए कार लवर जो भी है, वो अभी भी अगर किसी ने पहले डीजल कार चलाई होगी तो वो डीजल कार ही पसंद करेंगे। तो वो अपनी अपनी सलाह है, पर अगर आपका रनिंग कम है, कभी कभार कार बाहर निकालते हैं, शौक के लिए कार ले रहे हैं, तो मेरी यही सलाह रहेगी कि आप पेट्रोल पे जाइए। अच्छे खासे पैसों की बचत करोगे, और बचत हुए पैसे अगर आप FD भी करते हो, तो उतने पैसे पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, उस पैसे में आपकी पेट्रोल कार चल जाएगी, उसके लिए अलग से पैसे आपको डालने नहीं पड़ेंगे। तो मेरी यही सलाह रहेगी इस वीडियो में कि अगर आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल पे जाइए, रीसेल रह रहे हो तो डीजल पे आग बंद करके जाइए, अगर ज़्यादा रनिंग है तो ही आप डीजल पे जाइए। और जिसको कार लविंग का मज़ा है, कार लविंग हिल स्टेशन में या कहीं लॉन्ग रूट पे अगर मज़े लेने हैं, तो डीजल कार जैसी कार में तो कहीं नहीं मिलेगी बोलूँगा। चलो, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।